हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 3 ऑफ आवर डिप्लोमा फार्माकोलॉजी। तो उसमें हम कवर करने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन ग्लॉकोमा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा। तो इनमें से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो हमारा ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए टिमोलोल, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी डोर्जोलामाइड, या फिर ऑप्शन डी प्लानेटोप्रोस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्लानेटोप्रोस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द ड्रग रिड्यूसेस एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा। तो इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है जो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है इन द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा? ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ऑप्शन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं सच एज एसिटाजोलामाइड, वो क्या करते हैं? हमारे एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देते हैं, लीडिंग टू डिक्रीज इन इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज अ सिलेक्टिव अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन ग्लॉकोमा ट्रीटमेंट। तो इनमें से कौन सा हमारा एक ड्रग ऐसा है जो हमारा सिलेक्टिव अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है? कौन सा सिलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है हमारा? ऑप्शन ए ब्रिमोनिडिन, ऑप्शन बी टिमोलोल, ऑप्शन सी एप्राक्लोनिडिन, या फिर ऑप्शन डी पिलोकार्पिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रिमोनिडिन। क्वेश्चन नंबर 4। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज इन द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा? तो एक हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए पिलोकार्पिन, ऑप्शन बी टिमोलोल, ऑप्शन सी ब्रिंजोलामाइड, ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। तो जो एसिटाजोलामाइड है इट इज आर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो इसको हम फ्रीक्वेंटली इमरजेंसी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए हम एसिटाजोलामाइड यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर है उसको रैपिडली रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेस यूवियोसेक्रल आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर इन ग्लॉकोमा। इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है जो कि हमारे यूवियोसेक्रल आउटफ्लो को इंक्रीज कर देता है? ऑप्शन ए डोर्जोलामाइड, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी एप्राक्लोनिडिन, या फिर ऑप्शन डी प्लानेटोप्रोस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्लानेटोप्रोस्ट। जो लैनाटोप्रोस्ट है ये हमारा एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है दैट इंक्रीजेस यूवियोसेक्रल आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर लीडिंग टू रिडक्शन इन द एक्वस इंट्राऑक्युलर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच क्लास ऑफ मेडिकेशन एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई। कौन सा हमारा ऐसा क्लास ऑफ ड्रग है जो हमारा एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रखा है हमारे आंखों में ग्लूकोमा की वजह से, उसकी ड्रेनेज को बढ़ा देता है? ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ऑप्शन सी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, या फिर ऑप्शन डी अल्फा वन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो जितने भी हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है जैसे कि लैनाटोप्रोस्ट, बीमाटोप्रोस्ट, ये क्या करते हैं हमारे जो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन हो रखा है उसकी ड्रेनेज को बढ़ा देते हैं, जो यूवियोसेक्रल आउटफ्लो है उसको बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज Which class of drug is primarily used in the treatment of angle closure glaucoma to rapidly reduce intraocular pressure? तो angle closure glaucoma में कौन सा ड्रग हमारा यूज होता है टू रैपिडली रिड्यूस इंट्राऑक्युलर प्रेशर? ऑप्शन ए माइटोटिक्स, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ऑप्शन डी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माइटोटिक्स। तो जो हमारे माइटोटिक्स होते हैं सच एज पिलोकार्पिन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो ये कैसे काम करते हैं? इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द टोन ऑफ सिलियरी मसल। ये जो हमारे सिलियरी मसल एंड जो स्फिंक्टर पुपिला है उनके टोन को इंक्रीज कर देता है एंड इम्प्रूव द अलाइनमेंट ऑफ ट्रैबिकुलर, इंक्रीज द आउटफ्लो फैसिलिटी, और हमारे जो ट्रैबिकुलर आउटफ्लो फैसिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। तो पिलोकार्पिन हमारा इसलिए प्रिफर्ड माइटोटिक है इन केस ऑफ ग्लॉकोमा, ऑल्दो इट यूज हैज डिक्लाइंड ड्यू टू साइड इफेक्ट। तो आजकल इसके यूज लेकिन बहुत कम होने लगे हैं ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज एज एन
एडजंक्टिव थेरेपी टू रिड्यूस इंट्राऑक्युलर प्रेशर इन ग्लोकोमा एंड इज एडमिनिस्टर्ड ओरली और इंटरवेनसली। तो कौन सा हमारा एक ड्रग है जो एक एडजंक्टिव थेरेपी के तरह यूज होता है हमारा इंट्राऑक्युलर प्रेशर को कम करने के लिए ग्लोकोमा में, और इसको हम ओरली या फिर आईवी भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए टीमोलोल, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी ब्रिमोनिडिन या फिर ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। तो हमारा जो एसिटाजोलामाइड ये हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है जिसको हम ओरली या फिर आईवी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक अर्जेंटिव थेरेपी की तरह ग्लूकोमा में यूज होता है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द टॉपिकल मेडिकेशन आर इनसफिशियंट। ये उस केस में यूज कर जहां पे हमने पहले ग्लूकोमा में हम आंखों में अगर टॉपिकली कोई ड्रग यूज कर रहे हैं और उसका काम नहीं दे रहा है वो, तो उस केस में हम इसको ओरली या फिर आईवी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा ड्यू टू इट्स इफेक्टिवनेस इन मिनिमल ऑक्यूलर साइड इफेक्ट। तो इनमें से कौन सा हमारा ड्रग ऐसा है जो कि हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए यूजफुल है और इसके मिनिमल ऑक्यूलर जिनके आंखों में साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। ऑप्शन ए टिमोलोल, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी ब्रिमोनिडिन या फिर ऑप्शन डी लैनोडोक्रोस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टिमोलोल। तो टिमोलोल हमारा एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है व्हिच इज ऑफन कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग हमारे पास टिमोलोल है ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी एंड फेवरेबल साइड इफेक्ट प्रोफाइल विथ मिनिमल ऑक्यूलर साइड इफेक्ट। और इसमें हमारा बहुत कम साइड इफेक्ट का आंखों में होने का चांसेस रहता है। Then question number 10 is which class of glaucoma medication is contraindicated in patient with history of sulfa allergy? तो अगर किसी patient को sulfa allergy है तो उसमें हमारा कौन सा anti glaucoma drug contraindicated है, कौन सा drug हम glaucoma को treat करने के लिए नहीं ले सकते। Option A beta blocker, option B prostaglandin analog, option C carbonic anhydrase inhibitor या फिर option D alpha adrenergic agonist। So the correct answer is carbonic anhydrase inhibitor. So carbonic anhydrase inhibitor such as acetazolamide, dorzolamide, ये sulfa moiety contain करते हैं and are contraindicated in the patient with sulfa allergy. जिनको sulfa allergy होती है उनमें ये दो ये drugs, ये group of drugs हमारा contraindicated होता है, उसमें हम alternative medicine use कर सकते हैं। So this was all guys. Thank you so much. Hopefully ये video आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहा होगा।